फातिहा। बिस्मिल्लाह। वफ़वद अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमी अल ख़ातिमे लिमा सबक़ वल्फ़ातिह लिमन ग़लक़ अल मुअल्लिनिल हक़्क़ बिलहक़्क़ अबिल क़ासिमी मुहम्मद अल्लाह। वहल बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अलमासूमीन लासियमा बक़ियतिल्लाह फ़िल अरादीन साहिबिल अस्र वज़्ज़मान ख़लीफ़तिर रहमान इमामिल इंस वल जान अल्लज़ी बियुमनिही रुज़िक़ल वरा व बिही तबततिल अर्दु वस्समा। अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़रजहुश शरीफ़। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अला लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वअफ़ अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाह वहुव असदकुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल मूसा लिक़ौमिही इस्तईनु बिल्लाह वस्बिरू इन्नल अर्द लिल्लाह यूरिथुहा मन यशा मिन इबादिह वल औक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तरबियत नस्ल ज़हूर के उन्वान से होने वाली यह हमारी 5वीं कड़ी है। नेक्स्ट जनरेशन से मुताल्लिक़ जो कंसर्न है वो आज का नहीं है, हर दौर में रहा है। हर दौर का इंसान दो तरह के दगदगे से कंसर्न से गुज़रता है, एक बक़ाए नस्ल, दूसरे बक़ाए आइडियालॉजी। वो सिर्फ़ ये नहीं चाहता कि वो नस्ल ही बाकी रहे बल्कि उसकी फ़िक्र भी बाकी रहे। हक़ीर ने 10 मजलिसें शायद 3-4 साल पहले कराची में महफ़िल मुर्तज़ा में पढ़ी हैं जनरेशन गैप के उनवान से। ख़ुसूसन जवान बच्चे अगर चाहें इंटरेस्टेड हैं दे कैन विज़िट दैम। बहुत ही अहम बातें हैं और इस्लाम ने जैसे कि कुरान कहता है मा फर्रतना फ़िल किताब मिन शै, हमने इस किताब में किसी चीज़ को छोड़ा नहीं है, हर चीज़ मौजूद है। वला रत्बिम वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन। अगर नहीं मालूम है तो हमें मालूम नहीं है, इसलिए कि वी आर नॉट कीन इन अंडरस्टैंडिंग द रिलीजन। हम लोग जो हैं इतनी दिलचस्पी रखते नहीं हैं। सीधी सीधा बात बता रहा हूँ मैं, बाज़ वक्त ब्लंट क़ुलू क़ौलन सदीदा, बात को खरी खरी बता दो, सीधी सीधी बता दो। ऐसी बात ना करो जो फेंस में हो, इधर भी पढ़े उधर भी पढ़े, ऐसी बात नहीं। सीधी बात करो 2+3=5। रिलीजन हमारे लिए मुहर्रम आ गया तो, जुमा आ गया तो, या दिनों में महदूद है या फसलों में महदूद है, जिसकी बिना पर नतीजा यहाँ तक पहुँचा है कि हम मुसलमान इतनी मैन पावर रखने के बाद, इतना पावर 59 मुस्लिम कंट्रीज़, लैंड जितनी हमारे पास है, जितना रिसोर्सेस हमारे पास हैं, किसी के पास नहीं है। तो फिर ये बेचारगी क्यों है? वेयर इज़ अ मिसिंग लिंक? उसकी वजह यह है कि हमें एक फ़ोर्स है जो दीन से हटाता जाता है। उसको शैतानी फ़ोर्स कह लीजिए, उसको कोई भी फ़ोर्स नाम दे दीजिए, लेकिन देयर इज़ सम काइंड ऑफ फोर्स। तो ये चैलेंज को कबूल करें कि हम दीन को समझने की कोशिश करें, और जितना समझ रहे हैं मौला अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि अफ़ज़ल सलातो सलाम, फरमाते हैं अल इस्लाम कुल्लुहु अमल। बहुत ही खूबसूरत है छोट इमाम कलामुल इमाम अमामुल कलाम। जब मौला का कलाम, इसके माने उससे बढ़कर कोई, अगर बढ़कर है तो अल्लाह का कलाम, अल्लाह के कलाम के बाद मासूमीन का कलाम। अल इस्लाम कुल्लुहु अमल, इस्लाम इज़ इक्वल टू एक्शन। अगर एक्शन नहीं है तो इस्लाम नहीं है, अमल नहीं है तो इस्लाम नहीं है। और आप तो खैर अमल की दावत देते हैं, तवज्जो यानी परफेक्शन की तरफ दावत देते हैं। न सिर्फ अमल हो, हमारा अमल परफेक्शन हो। जब परफेक्शन होगा तो दुनिया आपके सामने झुकेगी। और चुनांचे देखा विदिन 43 ईयर्स एक छोटे से कंट्री ने दुनिया के सामने गदीरी विलायत को पेश किया तो दुनिया परेशान है। एक झलक बताया कि अभी तो नहीं, पूरी तरह से वाज़ह नहीं हुआ है, सिर्फ एक झलक है। ये इनकलाब की आहट है। इनकलाब कहाँ? ये तो इनकलाब की आहट, अभी इनकलाब नहीं है। इसका आलम यह है कि दुनिया परेशान है कि क्या हैं कि 43 ईयर्स में जो कम्युनिटी 37% लिटरेसी रखती थी, आज 100% लिटरेसी है। और जो कम्युनिटी के पास साइंटिस्ट का सवाल ही नहीं होता था, आज इतने अच्छे साइंटिस्ट हैं कि दूसरे के ड्रोन को अपने कंप्यूटर के ज़रिए से उसमें एंटर होके उसको ज़िंदा उतार लेते हैं। दुनिया दंग रह जाती है कि यह है क्या, ये कौन है, इनका ज़हनी क्या है जो दरे अली तक पहुंचता है, दरे खुदा तक पहुंच जाता है। तो अगर इंसान समझे इन चीज़ों को और दीन को एज ए प्रैक्टिकल हज करे। हज कहते हैं वी हैव टू टेस्ट कि रिलीजन उस वक्त कामयाब है जब हम लोग इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। अब एरो स्पेस इंजीनियरिंग में इस्लामी जमहूरी ईरान 8वें नंबर पर है। इतनी पाबंदियों के बाद, इतने सैंक्शन के बाद। तो फिर मैं एक जुमला कहता हूँ, और माशाल्लाह अहले नज़र हैं, तो हुजूर हमें सैंक्शन से क्यों डराते हो, हम तो शेब अबी तालिब में पलने वाले। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100% वो ठीक हो गया ना, जो भी झलक है थोड़ी सी, वो ऐसी झलक है कि दुनिया परेशान है। इंशाल्लाह वो ज़माना आएगा। मैं तो कहता हूँ कि इमामत की विलायत की नियाबत का ये नूर है, तो ख़ुद विलायत का क्या नूर? ये नियाबत का ये असर है, तो उसकी ख़ुद आप अंदाज़ा कर सकते हैं। 1000 टाइम मल्टीपल करें तो इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ ला। कल मैंने आपको यहाँ पर छोड़ा था कि 2 तरह के फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जो नॉन टेंजिबल हैं, 3 तरह के फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जो तरबियत औलाद में हैं, तरबियत नस्ल में है, वो टेंजिबल हैं। नॉन टेंजिबल से मुराद गैर महसूस, हम लोग उसको महसूस नहीं कर सकते। उसमें से पहला नॉन टेंजिबल नस्ल में असरात, खून में असरात। हमने इशारा किया था मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहि अफ़ज़लुस सलातो वस्सलाम ने कहा अकील, मेरे भैया अकील, ऐसे घराने से शादी करा दो, घराने में शादी करा दो जिससे मुझे एक ऐसा बेटा पैदा हो जो हुसैन की मदद कर सके। तो मालूम हुआ जीनियालॉजी को 1400 साल पहले मौला अमीरुल मोमिनीन ने इस ढंग से समझाया है कि आप जब करें तो नौजवान बच्चों से गुजारिश मैंने की थी कि इन्वॉल्व लव में न मत हो जाइए। लव इज़ ब्लाइंड कहा जाता है कि अंधी है, बल्कि लव होशियार रहना चाहिए। हमें कहाँ पैदा होना है इख्तियार नहीं है, किस घर में पैदा होना है इख्तियार नहीं है, किस शहर में पैदा होना है इख्तियार नहीं है, किस ज़माने में पैदा होना है इख्तियार नहीं है। एक इख्तियार है किससे शादी करना है, वो भी हाथ से गंवाना है तो फिर बाकी क्या रहेगा। आप इस पर ज़रा सा होशियार हैं जवान बच्चे। एक इख्तियार आपके पास है टू चूज़ ए स्पाउस, और इसीलिए इस्लाम ने कोफ कहा है। कोफ यानी राइट्स सूट। कुरान में 4 तरह की फैमिलीज़ हैं, बहुत अच्छी तरह से हैं मेरे साथ आप लोग। कुरान मजीद में कितने हैं? 4 तरह की। शौहर भी अच्छा, बीवी भी अच्छी। जी, हज़रत इब्राहिम, हज़रत हाजरा, शौहर भी अच्छा, बीवी भी अच्छे। और ज़रा नीचे आइए, सरकार रिसालत बाब खदीजतुल कुबरा, और ज़रा सा अली मुर्तज़ा व फातिमत ज़हरा। लौला अली लम यकुन ले फातिमा कुफ, अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई हमसर ना होता। इक्वल सूट जिसको कहते हैं ना होता था कुफ। तो ये फैमिली है, हस्बैंड भी गुड, वाइफ भी गुड। उसके मुकाबिल में हस्बैंड भी बैड, वाइफ भी बैड। मिसाल कुरान देता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तब्बत यदा अबी लहब व तब, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, सयस्ला नारन ज़ात लहब, व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। हस्बैंड भी बुरा, वाइफ भी बुरे, दो तरह के हो गए ना। दोनों अच्छे, दोनों बुरे। अब रहे 2 चॉइस, हस्बैंड अच्छा, बीवी बुरी। ज़रबल्लाहु मसलन, कुरान है, मैं भी लिल्लज़ीना आमनू, मोमिनीन के लिए मिसाल दी जा रही है। कौन, किन मोमिनीन को? 2 बीवियों की। कानता तहता अब्दैन, 2 काफिरों को मिसाल दे रहा है। सूरे तहरीम की आयत है, 67 चैप्टर। ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफरू, काफिरों के लिए मिसाल दी जा रही है कि 2 औरतें ऐसी थीं, दे लिव विद गुड पीपल। कौन है वो? कानता तहता अब्दैन मिन सालिहीन मिन इबादिना, दे आर वेरी प्योर, सालिहीन में से थे। कौन? हज़रत नूह, हज़रत लूत। फ़ख़ानतहुमा, दोनों ने ख़ियानत की अपने शौहरों से। फ़ख़ानतहुमा, आखिर में कुरान ने कहा फ़क़ील उदख़ुलिन्नार, नबूवत के साथ रहने से कुछ नहीं होता, जहन्नम में चली जाओ। है कुरान भी मिसाल दे रहा है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। किसी के साथ रहने से कुछ नहीं होता, रंग ढंग जब तक आप अपनाएंगे नहीं, उससे साथ रहने में कोई फ़ायदा नहीं होगा। हस्बैंड अच्छा, बीवी खराब, ये तीसरी फैमिली। चौथी फैमिली दी अदर वे, हस्बैंड बुरा, बीवी अच्छी। है तो बहुत ही अच्छा। इसी सूरह तहरीम में ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीन आमनू, मोमिनीन के लिए अल्लाह मिसाल दे रहा है। कौन है? एक हज़रत मरियम, दूसरे कौन है? ये अजीब व गरीब है, इम्रअत फ़िरऔन, नाम भी नहीं लेता, फ़िरऔन की ज़ौजा, फ़िरऔन के घर में रहती है। मैं जवान बच्चों को हमेशा, हमारे बुज़ुर्ग भी कहते हैं मौलाना माहौल ख़राब हो गया, माहौल ख़राब हो गया, माहौल ख़राब हो गया, माहौल ख़राब हो गया। मरहूम ज़ीशान हैदर साहब जब गए थे कराची, हर एक कह रहे थे क्या करें मौलाना, हालात ख़राब हैं, माहौल ख़राब है। तो मेंबर पे गए, उन्होंने कहा कि मैं समझा था आपके बच्चे, ये माहौल के बच्चे कैसे हो गए जी? ये मैं समझ रहा था कि अब तक आप माहौल के, ये जो है अपनी जिम्मेदारी को दूसरे के हवाले कर देना, ये हमारी बदबख्ती है। बच्चों को अपने बनाइए, माहौल के मत बनाइए। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बड़ा इंजेक्शन है तो यार सलवात नहीं होगी ना भी सलवात पढ़ी हो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल। गौर कीजिए बहुत अच्छी तरह से। हस्बैंड बुरा तो हम माहौल मौलाना कनाडा में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, हम लाख कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैं आइंदा जब आऊँगा टेंजिबल फैक्टर्स में बहुत तफसील से गुफ्तगू करूँगा, लेकिन आज इशारा सुन लीजिए वो ये है कि इमरात फ़िरऔन, फ़िरऔन की ज़ौजा ने यह साबित किया माहौल के ख़राब होने के बावजूद भी मैं ऐसे ईमान को पालती हूँ कि मैं घर भी बनाती हूँ तो अल्लाह के पहलू में घर बनाती हूँ। मेरी बात नहीं है। परवरदिगार इब्न ली इंदका बैतन फिल जन्ना, परवरदिगारा मुझे घर नहीं चाहिए, तेरे पहलू में घर चाहिए। तेरे पर जो ये जो हम लोग दुआ पढ़ते हैं आज़ान के बाद, अल्लाहुम्मा अजअल क़ल्बी बाररन व शिक़ारन, और आखिर में क्या है, वजअलनी इंदा कब्र नबी का, नहीं कब्र नबी का, कब्र निकाल दीजिए, कब्र इंदा कब्र नबी, कब्र के पहलू में तो क्या क्या गड़बड़ है। इंदा नबी का, ये कहिए आइंद वजअलनी इंदा नबी का, परवरदिगार नबी के पहलू में जगह दे। तो नबूवत के पहलू में तक यहाँ कहाँ पर, उस मकाम पे जहाँ पर इंशाअल्लाह हम जब जाएंगे तो इमाम मासूमीन के साथ में रहने में फ़ख्र करना, जन्नत में जाना कमाल नहीं है। किसकी जन्नत में जाना कमाल है? जन्नत में सभी चले जाते हैं लेकिन हुसैन के साथ रहना कमाल है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इंशाल्लाह एक मोमिन आले फिरौन, इसी फिरौन के ज़माने में, फिरौन के दरबार में रहने वाला, कुरान में रजुलुम मिन आले फिरौन मुमिनुन मिन आले फिरौन यक्तुम ईमानहु, जो अपने ईमान को छुपाता था, उसने कहा ऐसे मर्द को छुप मारना चाहते हो जो कह रहा अल्लाह मेरा रब है। अगर वह सच कह रहा है तो उसके हवाले, अगर झूठ कह रहा है उसके हवाले, इसके पीछे भी क्यों पड़े हुए हैं। फिरऔन के दरबार में भी फिर हज़रत मूसा को बचाने वाला, तो मालूम हुआ अगर हम चाहें इस कनाडा में भी अपने ईमान को बचा सकते हैं, इस अमेरिका में भी अपने ईमान को बचा सकते हैं। माहौल पे दोष मत दीजिए, अपने ईमान को टटोलिए, ईमान को कवी कीजिए। क्या कहा, कौन थी मालूम है? आसिया। शी वॉज अंडर 30, बहुत ही फर्स्ट लेडी, बहुत खूबसूरत, बहुत ही मुमिना ज़ाहिरन भी। जब उसने इजहार कर दिया मूसा के साथ रहने का और कह दिया कि तुम जालिम हो, तुम गलत हो, रॉन्ग हो, तो ज़िंदा लिटाया गया और हाथों पैरों में ज़िंदा जब थी तो कील ठोंके गए। मालूम है फिरऔन को ज़ातल औताद, ज़विल औताद कहा है कुरान ने, मेख वाला, वो कीले वाला फिरऔन। ये कीले वाला क्यों कहा गया? सज़ा देता था तो वो कीले ज़िंदा ठोंकता था। तो जनाबे आसिया को ज़िंदा लिटाया गया और हाथ में पैरों में ज़िंदा कीले ठोंके गए। उसके बाद गोल एक बहुत बड़ा पत्थर उस पर गुजारा गया। जब गुजारा गया तब जनाब आसिया ने दुआ, रब्बी इब्न ली इंदका बैतन फिल जन्ना, परवरदिगारा मुझे घर नहीं चाहिए, तेरे पहलू में घर चाहिए। ए आसिया, अल्लाह का तो कोई पहलू नहीं है, तुम ये क्या दुआ कर रही हो? अल्लाह तो हर जगह मौजूद है का समझ। अल्लाह के पहलू के माने विलायत इलाही के पहलू में ये दुआ कर रही हूँ, परवरदिगार फातिमा जहरा के पहलू में जगह दे दे। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये चार फैक्टर हैं। मुझे आज जा कर के, आज मुहर्रम में ज़बाना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मूसा व फिरऔन शब्बीर व यजीद। इकबाल खूबसूरत मूसा व फिरौन शब्बीर व यजीद इन दो क़ुव्वत अज़ हयात आमद पदीद। दो फोर्सेस हैं इन ह्यूमन बीइंग में, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। एक मूसा की फोर्स है, एक फिरौन की फोर्स है। ये जंग है अंदर अंदर इंसान के अंदर, एक फाइटिंग जारी है। एक मूसा की फ़ौज है, एक यजीद की फ़ौज है। मूसा व फिरौन शब्बीर व यजीद, यजीद एक तरफ हैं, इमाम हुसैन एक तरफ हैं। जिंदा हक अज़ क़ुव्वते शब्बीरियस। अब ये मूसा तो पुरानी बात हो गई, अब हुसैन लायक है, क़यामत तक हुसैन है। जिंदा हक अज़ क़ुव्वते शब्बीरियस मुर्दा बातिल दाग़ हसरत मीरियस। इक़बाल 1400 साल पहले, यानी 100 साल पहले ये फ़िक्र दे रहा जो कुरान की है। क्या फ़िक्र है? ये दो क़ुव्वतें इंसान के पास हैं, एक पॉजिटिव क़ुव्वत, एक नेगेटिव क़ुव्वत। पॉजिटिव क़ुव्वत अगर कवी हो गई तो इंसान फरिश्तों से भी अफजल हो गया। अगर नेगेटिव क़ुव्वत कवी हो गई वो किससे भी बदतर हो गया, हैवान से भी बदतर हो गया। ज़रूरत है कि इंसान इस मकाम को समझ सके। तो अज़ीज़ान गिरामी, कल मैंने अर्ज़ किया था कि आज की दुनिया, यानी जिस दुनिया में हम वी आर एग्जिस्टिंग, जिस दुनिया में हम मौजूद हैं, ये दुनिया फिक्शनल दुनिया है। और 90% से ज़ायद जो चीज़ें पेश की जा रही हैं वो फिक्शनल हैं। किताबें हमारी फिक्शनल हैं और हमारे मूवीज़ जो हैं फिक्शनल्स हैं, हत्ता हमारी ज़िंदगियाँ भी फिक्शनल हैं। इस पर बहुत डिटेल गुफ्तगू है। अगर मैं उसमें चले जाऊँगा तो फिर असले मौजू से चले जाऊँगा। ये चूँकि ये चारों तरफ समझना ज़रूरी है असले तरबियत के उन्वान से। तो अज़ीज़ान गिरामी, सवाल आ सकता है किसी के जहन में, कुरान में भी तो फिक्शन है, कुरान भी तो जन्नत की बात कर रहा है, कुरान भी तो हूर की बात कर रहा है, कुरान भी कसूर की बात कर रहा है, कुरान भी तो बात कर रहा है, ये भी तो फिक्शन है, इश्तबा है। कुरान को अगर कोई मुसलमान फिक्शन का फे भी समझे तो वो मुसलमान नहीं है। तवज्जो बहुत अच्छी तरह से, अगर अफसानवी का अलिफ भी समझे तो वो मुसलमान नहीं। क्यों? ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। ये वो किताब है जिसमें किसी तरह का शक व शुबा मौजूद नहीं है। मुसलमान को हूर के किस्से को, जन्नत के किस्से को अफसाना के तौर पर पढ़ना नहीं है, हकीकत के तौर पर पढ़ना है। वो कैसे? ये ज़र्रा सा मेरे साथ रही है तो इंशाल्लाह मैं चंद जुमलों में इस मरहले से गुज़रना चाहता हूँ। बहुत गौर से, बहुत और बहुत ही अहम सवाल है। पॉसिबिलिटी से इंसान का जहन है, सवाल कर सकता है कि क्या इस्लाम ने ये जो गुफ्तगू की है आया फिक्शनल नहीं है? इस्लाम का धन्ना नहीं है। हदीस में है जो कुरान पढ़ेगा एक एक हर्फ के एवज़ में अल्लाह एक नूरी मखलूक़ को पैदा करेगा। सिर्फ पढ़ने पर, समझने तो बहुत बड़ी बात। अगर पढ़ेगा एक हर्फ पर, हर्फ के माने क्या हैं? मसलन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कितने हुरूफ हैं? 19 हुरूफ हैं। 786 जो है ये न्यूमेरोलॉजी है, अलिफ के 1, बे के 2, 3 उसमें ला करके 786 ये न्यूमेरोलॉजी है जिसको इल्मुल हिसाब कहते हैं। ये नंबर ऑफ वर्ड्स नहीं है, लेटर्स नहीं हैं, बल्कि न्यूमेरोलॉजी के अतबार से ये नंबर है। ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में कितने नंबर हैं? 19 क्यों हैं? अदद की इब्तिदा 1 है, इंतहा 9 है। उसके बाद जितना भी बढ़ता बढ़ाते जाइए तो 1 है और 9 है, 1 है 9 है। उसके बाद 10 किया तो उसके बाद 10 के बाद क्या है? 1 हो गया। 11 किया तो 2 हो गए, 12 किया तो 3 हो गए, 13 किया तो 4 हो गए। फिर आप जितने बढ़ते चले जाएंगे पलट करके 9 तक ही आएंगे। 1 अल्लाह है, 9 फातिमा ज़हरा है। हाँ, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली। जी, ये फ़ज़ाइल के छींटे हैं ताकि ज़रा सा बेदार भी हों और ये महक जो है अहले बैत की मोहब्बत की हमारे जहनों में ज़रा सा जिला बख्शे और ये जो हैवी ड्यूटी चीज़ें आ रही हैं उसमें समझने में आसानी हो जाए। तो कितने हुरूफ हैं? 19 हरूफ हैं। अगर मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ा तो अल्लाह ने 19 नूरी मखलूक को पैदा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 19 नूरी मखलूक ने 19 एंजल्स को पैदा किया जो मेरे लिए ज़िंदगी भर तक इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर। यानी अब आप एक सूरा पढ़ेंगे तो कितने हो गए, तो हमारे पास हिसाब ही नहीं है। जिस तरह से कुरानी कहता है इन ताउद्दू निअमत अल्लाह ला तुहसूहा, इफ़ यू स्टार्ट काउंटिंग द फेवर्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला यू कैन नॉट काउंट। अल्लाह के फेवर्स को, अल्लाह की अताओं को तुम गिन नहीं सकते। उसी तरह से अल्लाह की ये इनायतों को भी हम गिन नहीं सकते, इसलिए कि हम लोग लिमिटेड हैं, वो अनलिमिटेड दुनिया है। ठीक हो गई। अब ज़रा सा नौजवानों के जहन में मौलाना हाउ टू इंक्रीज लव ऑफ कुरान विथ लॉजिक ऐसा होना चाहिए कि कुरान से हमारा सुपरफिशियल लव ना रहे, मोहब्बत ना रहे। मैं इब्तदाई मजलिस में, पहली मजलिस में बताया था, शब-ए आशूर इमाम हुसैन अलैहि अफ़ज़लुस सलातो व सलाम ने फरमाए अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। हैदरी या कम से कम बच्चा तो बोला। अल्लाह सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह मौला ने फरमाया अब्बास मैं जंग नहीं करना चाहता, इस्लाम में जंग है ही नहीं। मैंने बताया था डिफेंस जो कहा जाता है इस्लाम का दिया हुआ है, डिफेंस बजट भी इस्लाम का दिया हुआ है, हालांकि ऑफेंस करते हैं, डिफेंस कहते हैं। इस्लाम में जंग की इब्तिदा नहीं है, जंग करने की इजाज़त नहीं है, है ना बात साथ। मौला ने फरमाया जंग नहीं करना चाहता। अना उहिब्बुस सलात। नौजवान बच्चों से गुजारिश है, बेहतरीन यहाँ पर एम्स वालों से भी गुजारिश है कि ब्लैक जो है टी शर्ट बनाए, आई लव नमाज इमाम हुसैन जी। अना उहिब्बुस सलात। मौला फरमाते हैं मुझे नमाज से मोहब्बत है। ये नहीं कहें कि नमाज पढ़ता हूँ, इससे भी ज़्यादा बात है, मुझे नमाज से मोहब्बत है। और पीछे मुझे कुरान की तिलावत से मोहब्बत है। मौला इमाम हुसैन शब आशुर फरमाते हैं कि मुझे दो चीज़ों से मोहब्बत है, एक तिलावत कुरान, दूसरे नमाज। तो ये कुरान से मोहब्बत में इजाफा कैसे करें, खुसन जवान बच्चों से गुजारिश है। जहाँ पर आप लोग जाते हैं किनेसियोलॉजी साइंस के लाइन में, कुरान को भी इस लाइन से सोचने की कोशिश कीजिए। मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। जापानी डॉक्टर है जिसका नाम है डॉक्टर इमोटो। उसकी एक किताब छपी है न्यूयॉर्क टाइम्स के एतबार से, वो बेस्ट सेलर भी हुई है किताब। और आप लोग घर में जाने के बाद देख सकते हैं, बच्चे जवान बच्चे ज़रा सा ऑनलाइन जा कर के फाइंड कर सकते हैं। द हिडन मैसेजेस इन वाटर, किताब का नाम है। छुपे हुए मैसेज किसके अंदर, कुरान में। साबित करता है हाउ आवर इंटेंशंस, our conscious affects the realm of matter। क्या माने हैं, आलम नासूत, आलम बरक बरहूत, आलम मलकूत, एक बहुत बड़ी बहस है। वो बहस में चले जाऊंगा तो आप भी परेशान हो जाए। क्या है ये मैटर जिसमें रहते हैं हम दुनिया में, इस मैटर का नाम है आलम नासूत। आलम क्या है, रियल, रियल्म को कहते हैं आलम। अब हम जब इंशाल्लाह जाएंगे फसुबहान अल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शै व इलैहि तुरजाऊन, जब हमारी रूह परवास कर जाएगी तो किधर जाएगी, आलम मलकूत में, उस मुकाम पे जाएगी जहाँ मलकूत है। समझ में आ गई बात। यह है दुनिया क्या है, आलम नासूत। वो ये कहता है कि हमारी इंटेंशंस, नीयतें और हमारे कॉन्शियस, हमारे अल्फाज इफ़ेक्ट करते हैं इस मादी दुनिया को। फिर उसने रिसर्च किया, पानी को सामने रखकर पानी के साथ गुफ्तगू करना शुरू किया, बोलना शुरू किया और उसके बाद उसको आइस बना करके फिर उसकी पार्टिकल्स को पारा करके देखा कि सब के सब बहुत खूबसूरत उसी तरह से बाकी हैं जिस तरह से पानी से होना चाहिए। उसके बाद उसने पानी में बुरे अल्फाज बोल 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 करके उसको फ्रीज़ किया। फ्रीज़ करने के बाद उसको फोड़ा, फिर उसको लैब में ले गया, देखा कि उसके पार्टिकल्स टूट रहे हैं। तवज्जो बहुत अच्छी तुझे। यानी देखिए पानी में वो ये कहता कि ये जो असरात हैं ये पानी में, ये क्या मैं क्यों कह रहा हूँ, ये इमोटे की तारीफ़ कर रहा हूँ, जितनी तारीफ़ वो करिए मैं मुझे उससे दखल नहीं है। क़ुरान सूरह अंबिया, तवज्जो बहुत अच्छी तरह से, सूरह अंबिया 21 चैप्टर आयत नंबर 30 आखिरी हिस्सा है, वजअल्ना मिनल माए कुल्ला शैइन हई, हमने हर चीज़ की हयात पानी में रखी है। तवज्जो का तालिब हूँ। अगर हम कुरान से लेकर के दुनिया को साबित करते तो दुनिया को सिर्फ डाटा तैयार करके देना है, कुरान तहकीक शुदा चीज़ है, सिर्फ बताना है कि ये चीज़ है। अगर नौजवान हमारी नई नस्लें कुरान को इस रुख से देखेंगे तो बिल्कुल उनकी ज़िंदगी बदलेगी, दुनिया में बेहतरीन साइंटिस्ट कहला सकेंगे। ये कुरान में दम है, वजअल्ना मिनल माई कुल्ला शैइन हई, तो हर चीज़ की हयात काहे में है, पानी में है। इसीलिए अभी जो जा रहे हैं दूसरे प्लानेट पर कुछ नहीं देख रहे हैं, देख रहे हैं पानी है या नहीं है। अगर पानी है तो लाइफ है, पानी नहीं है तो लाइफ नहीं है। एक जुमला सुन लीजिए, हयात ही हयात दे सकती है, मुर्दे हयात नहीं दे सकते। तवज्जो का तालिब, हयात, लाइफ कैन गिव लाइफ, डेथ कैन नॉट गिव लाइफ। हुसैन लाइफ है, हयात है, हयात देता है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। और ज़रा सा बात करो, और ज़रा सा मैं इन कुरान को एज ए फिक्शन ना देखिए, ये प्रूव करना चाहता हूँ। उसके बाद फिर मैं कल की मंजिल तक पहुँचा करके आपकी ज़हमतों को तमाम करूँगा। बहुत अच्छी तरह से सब मिल करके दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाह मेरे साथ दुरूद पढ़िए मेरी तरह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आली मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। यूनाइटेड सलवात है ना, अभी इससे मज़ा आता है। यूनाइटेड रहिए, मुख्य मारने में मज़ा आएगा। तो यूनाइट सब पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। इसी आयत का पहला हिस्सा, नौजवान बच्चे सब जानते हैं कि आज की यूनिवर्सिटीज़ में बिग बैंग थ्योरी इज़ एन वेल नोन थ्योरी है, वेल एक्सेप्टेड थ्योरी है, वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी एवरीबॉडी नोज जी। क्या थ्योरी है? दिस वर्ल्ड वाज वन एंटिटी और उसके बाद एक्सप्लोजन हुआ, उस एक्सप्लोजन का नाम है बिग बैंग थ्योरी। ये यूनिवर्सिटी में, हर यूनिवर्सिटीज़ में ये पढ़ाई जाती है। हत्ता मुस्लिम कंट्रीज़ में भी अगर जा कर के पाकिस्तान में पूछें तो बताएंगे जी हाँ, बिग बैंग थ्योरी हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही है। ठीक, इसी यूनिवर्सिटी में ये भी पढ़ाया जाता है, वेयर देयर इज़ ए कॉज हैज़ टू हैव इफ़ेक्ट, वेयर देयर इज़ ए इफ़ेक्ट हैज़ टू हैव कॉज। जहाँ इल्लत है मालूल का होना ज़रूरी है, जहाँ मालूल है वहाँ इल्लत का होना ज़रूरी है। अगर बिग बैंग मालूल है तो इल्लत क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर बिग बैंग इफेक्ट है, व्हाट इज द कॉज? तुम ही सिखाते हो यार, तुम एक तरफ बोलते हो बिग बैंग थ्योरी है, खुदा का शुक्र है थ्योरी है, और थ्योरी के लिए जो डेफिनेशन है, थ्योरी विच कैन बी चेंज कॉन्स्टेंटली इज कॉल्ड थ्योरी। नॉलेज कभी चेंज नहीं होता, थ्योरी चेंज होती है। कुरान थ्योरी नहीं है, नॉलेज है जो कभी चेंज होने वाला नहीं है। उस यकीन के साथ कुरान जब थ्योरी नहीं है तो थ्योरी यह है कि बिग बैंग हुआ। हमारा सवाल है कि बिग बैंग हुआ तो व्हाट कॉज बिग बैंग, किसने कॉज किया? ये जो थ्योरी या बिग बैंग है चुराई गई कुरान से, आधी थ्योरी कुरान से ली गई है और आधी ली गई है बात। हमेशा ये आधी बात लेने की कोशिश करते हैं, आधी बात लेते हैं अपने बेनिफिट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। इस्लाम ये अच्छा है, बहुत मज़ेदार है। एक जुमला सुन लीजिए, यूजिंग इस्लाम एज ए मैटर ऑफ कन्वीनियंस। जब कभी मज़ा आता है तो हम भी अपनी ज़िंदगी में हम लोग वहाँ पे इस्लाम लेना चाहते हैं जहाँ पर हमको लुत्फ़ आता है। इस्लाम कहता है ना टोटल पैकेज। एक मिसाल समझ लीजिए, आजकल शादियों में क्या हो रहा है भाई, पहले दस्तरखान बिछाओ खाओ ना, पहले नया लगा दिया, खाना लगा दिया गया है, खड़े हो जाइए, लाइन में खड़े हो जाइए, प्लेट हाथ में लिया, सामने से देखा सैलड है, अरे यार सैलड तो घर में खाते ही रहते यार, यहाँ तो बोटी मारने का दिन है यहाँ। अब जो है आप जो है वहाँ क्या किया, बफे। बफे क्या है ये, टेकिंग व्हाट यू लाइक इट। तवज्जो, इस्लाम बफे नहीं है, इस्लाम गदीरी पैकेज है। इधर टेक इट और लीव इट। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद, नुअमिनु बिबादिन व नकफुरु बिबादिन, वी बिलीव इन समथिंग वी डिसबिलीव इन समथिंग। कुरान कहता है रिजेक्टेड बिलीव, टोटल पैकेज पर ये पूरा पैकेज है ना मेरे साथ। तो बिग बैंग थ्योरी कहाँ से सीखा, इसी सूरे अंबिया। मेरे नौजवान से गुजारिश है जब वापस जाओ, जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, ओपन द बुक, ओपन द कुरान, द ब्यूटीफुल बुक, 21 chapter आया नंबर 30। अवलम यरल्लदीना कफरू, कफरू से काफिरों से मुराद नॉन बिलीवर्स, दोज हु डोंट बिलीव इन गॉड, उसको कहते हैं काफिर। नो नीड टू बी हॉट फीलिंग, ठीक है, दुनिया में बहुत से लोग हैं जो नॉन बिलीवर्स हैं। अवलम यरल्लदीना कफरू, कुरान चैलेंज कर रहा है नॉन बिलीवर्स को, अन्नस समावाति वल अर्द कानत रत्का, जी जमीन और आसमान एक एंटिटी थी, कानत रत्का फफतकनाहुमा, हमने उसको फाड़ा। यानी बिग बैंग कॉज हम हैं, कोई और कॉज नहीं है। ये हम कह कर के खुदा ने कुछ और इशारा भी कर दिया कि एक पूरा सिलसिला है इल्लत व मालूल का। उन इल्लत व मालूल में फरिश्ते भी हैं, उन इल्लत व मालूल में मोहम्मद व आले मोहम्मद भी हैं। इसीलिए ये आप पढ़ते हैं हदीस किसा में, फ़लम मकतमलना जमीअन तहतल किसा, ये भी अजीब व गरीब है। फ़लम मकतमलना जमीअन, फ़लम मकतमलना, फ़लम मजतमाना नहीं है, जब सब जमा हो गए, नहीं जब कामिल हो गए है। तवज्जो का ताले हैं, फलम मख्तमलना जमीअन, कामिल हो गए। कैसे कामिल हो गए, सरकार हैं, सरदार अंबिया हैं, अली हैं सरदार औलिया हैं, फातिमा जहरा हैं सरदार सैयदतुन निसाइल आलमीन हैं, हसनैन हैं सरदार जवानाने जन्नत हैं। जब सब सरदार हैं, ऐरे गैरे नत्थु खैरों की ज़रूरत ही क्या है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर या। वअज्जिल फरजहम, हमसे बहुत आजकल बाज़ मोमिनीन भी कहने लगे हैं ये वसीला क्या है, क्या अल्लाह से डायरेक्ट। जी हाँ, पूरे मासूमीन की दुआएं अल्लाह से डायरेक्ट ही हैं, दरमियान में सलवात है, मौला इमाम सज्जाद की दुआएं उठा करके दी, या पहले सलवात है या आखिर में सलवात है या दरमियान में बाज़ ऐसी दुआएं हैं हर सेंटेंस पे दुरूद है। ये दुरूद क्या है, मैं मिसाल देता हूँ, ये टर्बो है। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, अगर आप अल्लाह से बात करना है तो अल्लाह बात को सुनता है, लेकिन ये टर्बो लगा दीजिए, बात को बहुत तेज़ी से सुनता है। टर्बो को समझने के लिए आज की बात समझते हैं मौलाना, यहाँ पर फ़ोन में चल नहीं रहा है इसलिए कि यहाँ जो है फ्रीक्वेंसी अच्छी नहीं है, यहाँ फ़ोन में क्या नहीं है, बोलते हैं ना बाप, मैं बेसमेंट में हूँ, मैं फलां जगह हूँ, या कन्फाइन जगह पर हूँ, लाइन मेरी क्या बोलते हैं आप उसको, सिग्नल्स अच्छे नहीं हैं। अब समझ में आया इमाम हुसैन के कुब्बे के नीचे कितने स्ट्रांग सिग्नल्स हैं, जहाँ पर पहुँचने के बाद दुआ का कबूल ना होना सवाल ही नहीं पैदा होता। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जी बात समझ में आई। आइए क्या कह रहा कुरान, काना था रतकन, ये यूनिवर्स जो थी एक एंटिटी थी जमी हुई, किसने फाड़ा, हमने फाड़ा। मौलाना ये अली या मोहम्मद हमें समझाइए क्या ज़रूरत है, इनकी क्या ज़रूरत है। आजकल अपने मोमिनीन भी कहने लगे, इसलिए कि बाज़ मोमिनीन ने शुरू किया है ऐसी बातें कहना कि जिससे असल अक़ायद मोहम्मद व आल मोहम्मद पर ज़र्ब लगता है, उसकी जहालत की बिना पर है। अगर इल्म हो तो कभी परेशानी की बात नहीं है। सूरह नाज़ियात, अब देखिए, इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहू, पढ़िए, कौन फयकून, जब भी अल्लाह इरादा करता किसी चीज़ को हो जा तो हो जाता। तो भी हो जा कह दिया तो ज़मीन कितने साल की है, 5 बिलियन ईयर्स की, कितने साल में बनी, बिलियन सर साफ लगे। पहले मौलाना ने पहले खुतबे में बयान किया है, पानी था, मौजें आए, बढ़ती चली गई, कब पैदा हुआ, और उसके बाद ये हज़ारों लाखों बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ये ग्लोब बना इसी पानी के। पहला खुतबा मौलाना ने हाउ दिस वर्ल्ड हैज़ बीन क्रिएटेड पूरा मेंशन किया है, बेखूबसूरत है दुनिया के यूनिवर्स के पैदा होने का। ठीक, कितने साल की ज़मीन है, 5 बिलियन ईयर्स की, कितने साल में इवाल्व हुई, बिलियन साल लगे। किसने इवाल्व किया, उस कुन ने। जब कुन कहा तो यकून कितने ज़माने में हुआ, कई पीरियड के बाद हुआ। अब ये कुन को यकून करने वाला कौन है। मेरे मजमा अच्छी तरह से समझे, सूरह नाज़ियात की 5वीं आयत है, वल मुदब्बिरात अमरन, वल मुदब्बिरात इन्नमा युरीदुल्लाह इन्नमा अमरुहु इदा अरादा शयअन यक़ूल लहु कुन फयकून। अम्र परवरदिगार, जब भी अल्लाह कुन कहता वो भी कुन कहने की ज़रूरत नहीं। मौला अपने नहजुल बलाग़ा मौला फरमाते हैं, ला बेसौतिन यक़रा, ऐसा ना समझो कि कुन काफ ने नून पेश कुन कहा तो आवाज़ आई फिर बनना शुरू होना, उसका इरादा ही बनना है। इधर इरादा किया ज़बान से नहीं, अल्लाह ने बोल, इसलिए कि उसके पास ज़बान भी नहीं है, वो इरादे का नाम ही कुन है। तब ये कुन जब इरादा कर दिया तो कैसे पैदा हुआ, अल्लाह ने कहा ये जो अम्र कर रहा हूँ फरिश्तों को मैंने लगाया है, ये मेरे अम्र को ये फरिश्ते चलाते हैं जो वजूद की शक्ल में लाते हैं। कुरान कह रहा है इस कायनात को वजूद की शक्ल में लाने वाले फरिश्ते हैं। तो हम जब कहते हैं मोहम्मद व आल मोहम्मद के ज़रिए से ज़मीन बनी, आसमान बना, तो इसमें परेशानी की बात क्या है, शिर्क कहाँ से हो गया। अगर तुम्हारे जहन में शिर्क है तो तुम्हारी खबासत है। कुरान पढ़ो तो सब अहले बैत तौहीद ही तौहीद। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाला। वअज्जिल फरजम, सिर्फ डॉट को ख़त्म करने के लिए मुझे ये तमाम यहाँ तक मुझे पढ़ना पड़ा। लुत्फ़ उठाइए कुरान से, एक एक वर्ड कुरान का, लेटर कुरान का नूर है, और हमें हमारी आंखों को खोलना है, इससे नॉलेज लेना। साइकोलॉजी इसमें है, बायोलॉजी इसमें है, कॉस्मोलॉजी इसमें है, एवरी साइंस इज़ देयर प्रोवाइडेड वी हैव टू रीड कुरान फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च। कुरान को एज ए रिसर्च पढ़ें, कुरान को ईसाल सवाब के लिए ही ना पढ़ें। ईसाल सवाब यकीनन सवाब है, शायद मोटिवेशन फैक्टर है, ताकि मरहूम के नाम से खोले, कम से कम खोले। है हदीस में कि कुरान को देखना इबादत, पढ़ना तो बहुत बात है, खोल के देखना है। दुल्हनों के सामने खोल देते ना भाई, देखना इबादत। खाने काबा को देखना इबादत, माँ बाप को देखना इबादत, अली को देखना है। तो इबादत क्या मराहल अलग अलग हैं, किसको क्या देख रहा है, कौन देख रहा है। अली को देख रहा है तो जमाल परवरदिगार को देख रहा है, वो वजहुल्ला है, वो दुनुल्ला है, हम जम्बुल्ला है। जब उसको देख रहा है तो सब कुछ उसने देख लिया है। ये विलायत का मसला सिर्फ आसान मसला नहीं, हकीकत है, इस हकीकत को समझना चाहिए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आज इस लास्ट चैप्टर को ख़त्म करना चाहता हूँ, वह है कल मैंने बताया था हज़रत इब्राहीम ने दुआ की है। सूरह इब्राहीम 14 चैप्टर ऑफ दी कुरान, 35वीं आयत कल मैंने इशारा किया था। हज़रत इब्राहीम ने दुआ की, परवरदिगार अल्लाहुम्मा जअल हादा बलदन आमिना, इस शहर को अमन व अमान का शहर बना दे, सिक्योरिटी पीस। वजनुबनी व बनैया, मुझे बचा ले, मेरे बच्चों को भी बचा ले, मेरे नस्लों को भी बचा ले। अन्ना अबुदल असनाम, बुतों की पूजा से मुझे भी बचा ले, मेरे बच्चों को भी बचा ले। बहुत अहम है, इसीलिए कल मैंने जो इशारा किया था, पहला मरहला है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, उसके बाद बिस्मिल्लाहिर रहमान। पहले नेगेटिव फोर्सेस को हटाना है, फिर पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करना है। जब तक कि नेगेटिव एनर्जी हटेगी नहीं, पॉजिटिव एनर्जी पेनिट्रेट करने वाली नहीं है। पॉजिटिव एनर्जी के लिए जो उसूल हैं, उसके बाद फिर हज़रत इब्राहिम ने दुआ की। इस दुआ को आप लोगों से ख़ुसर माँ बाप से गुजारिश है, मेरी बहनों से, मेरी बेटियों से गुजारिश है कि जिनकी छोटे छोटे बच्चे हैं, उन माँ बाप से गुजारिश है इस दुआ को जो हज़रत इब्राहिम ने पढ़ी है अपनी नमाज का हिस्सा बना लें। इसी सूरह इब्राहिम की आयत 40 नंबर 41 40 40, रब्बिजअल्नी मुक़ीमस्सलात व मिन ज़ुर्रियती, परवरदिगारा मुझे भी मेरे बच्चों को भी नमाज का कायम करने वाला बना दे। रब्बिजअल्नी मुक़ीमस्सलात व मिन ज़ुर्रियती, ये दुआ जो है इसके बाद की जो आयत है, मैं हमेशा कहा करता हूँ 3 जनरेशन्स के लिए हमेशा दुआ होती है, मालिक मुझे सेहत दे, मालिक मुझे दौलत दे, मालिक मुझे माल दे, मालिक मुझे औलाद दे, मेरे लिए है। लेकिन कभी ये नहीं होता कि 3 जनरेशन के लिए दुआ करूँ। ये 3 जनरेशन के लिए पहली दुआ क्या है, रब्बिजअल्नी मुक़ीमस्सलात, मुझे भी बचा ले, मैं बचा हुआ नहीं रहूँगा तो मेरे बच्चों का सवाल ही नहीं होता, और मेरे बच्चों को भी नमाज कायम करने वाला बना दे। उसके बाद फिर माँ बाप को, रब्बना अग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, बेहतरीन दुआ है। और आई एम वेरी मच कंसर्न, मैं बहुत, मेरा दगदग बेइंतहा, जितने साल यहाँ रहा हूँ 42 ईयर्स के बाद इस नतीजे पे पहुँचा हूँ, आई एम स्केयर्ड टू डेथ। इतनी परेशानी है मुझे, इसलिए कि मैं जब स्टैटिस्टिक मेरे अपने मोमिनीन का देखता हूँ, सादात फैमिलीज मिंगल हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं यहाँ पर। आई नो सैयद फैमिलीज दे हैव गॉन, क्यों? इसलिए कि अटैचमेंट जब दीन से नहीं रहेगा, अटैचमेंट जब सेंटर से नहीं रहेगा, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ शब जुम्मा अपने मरकज़ से, कहीं भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब जगह मौजूद है, जब भी शब जुम्मा आए अपने बच्चों को ले जाएं वहाँ पर, जब भी शहादत मासूमीन की आए बच्चों को ले जाएं माएँ। ये बहुत ज़्यादा अहम है, इसलिए कि हमारे पास ये माहौल ही नहीं, कम अज़ कम ये माहौल आप क्रिएट करें। और फिर उसके बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, परवरदिगार ये मैंने काम कर दिया है, अब तू जब तक नहीं चाहेगा ये हिदायत होने वाली नहीं है। इसलिए कि वमन यहदिल्लाह फला मुदिल्ल लह, जिसको अल्लाह हिदायत कर दे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले पर। तो दुआ बहुत बड़ा फैक्टर है, इस फैक्टर को कभी मत भुलाइए। और आपको मैं दे रहा हूँ दुआ, दुआ इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम 25वीं दुआ, दुआ इसमें सहीफ़े कामिला में, सहीफ़े सज्जादिया में, उस दुआ में मौला ने एक जुमला फरमाया है। दुआ मैंने बताया था कल कि खुतबे मौला अमीलिन के मुकाबिल में सिर्फ ये दुआ ही नहीं है, नॉलेज का बहुत बड़ा समंदर है। यानी इसमें चाइल्ड साइकोलॉजी है, एजुकेशनिस्ट के लिए बेहतरीन चीज़ है, माँ बाप के लिए खुसन बहुत एक एक जुमले पे काम कर रहा है। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला तरबियतिहिम, मौला फरमाते परवरदिगारा मेरे बच्चों की तरबियत में मेरी मदद फरमा। आसान काम नहीं है, जब तक तू नहीं मदद करेगा तो मेरे बच्चों की तरबियत आसान काम नहीं। आइन्नी, मेरी तरबियत करना चाहता हूँ मेरे बच्चों की 3 चीज़ों, अबदान हिम अखलाक हिम, अबदान अदियान अखलाक। परवरदिगारा मेरे बच्चों की तरबियत 3 चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। अबदान, बॉडी, बॉडी को सही ग़िज़ा देना चाहिए, सही बचपने से, जंक फूड से जितना जुदा रखिए। बादाम, ऐसी चीज़ें जो बच्चे की ब्रेन के लिए, खुसन 7 ईयर्स तक डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, और खुसन माँ के शिकम में बच्चा जब आता है, ऐसे नर्चर्स ग़िज़ा बहुत एफक करने वाली है। हकीकत है, आज साइंस ने भी बता दिया, इस्लाम ने 1400 साल पहले बता दिया कि कौन सी ग़िज़ाएँ किस पे असर करने वाली है। अबदान की जिम्मेदारी माँ बाप की है। जहाँ बच्चों को सही ग़िज़ा दें वहाँ पर बच्चों को स्पोर्ट्स में भी ले जाएं, उनको भी खिलाएं भी, खेलें भी, ताकि इस बच्चे जो हैं उनकी बॉडी उस लिहाज से ट्रेंड हो और उसमें वो नर्चरिंग सिस्टम भी पैदा हो जिससे उनका ब्रेन ओपन हो सके। अबदान, उसके बाद अदियान, दीन की तरबियत। दीन की तरबियत मैंने स्कूल इस्लामिक स्कूल में डाल दिया बच्चे को, कुछ नहीं होता। पहला पेरेंट्स का जो फंक्शन था टोरंटो में अस्सादिक स्कूल का, उसमें मैंने एक तकरीर की थी, अभी तक याद है, बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट इस्लामिक स्कूल अस्सादिक, सब जानते हैं अस्सादिक स्कूल, अल्हम्दुलिल्लाह हाई स्कूल भी हो गया। सामने पूरे पेरेंट्स बैठे हुए थे, मेरी माएँ बेटियाँ में बैठी हुई थी, सबसे मैंने कहा बच्चे को इस्लामिक स्कूल में डालने से कुछ होने वाला नहीं है। बेटी को हिजाब पहना करके ला रही हो, खुद बेहिजाब बैठी हो, किसको बेवकूफ़ बना रही हो? टू हूम आई एम चीटिंग। 50 किलोमीटर ड्राइव कर रहे हैं हलाल गोश्त के लिए, बेहिजाब बैठे हुए। टू हूम आई एम चीटिंग, किसको बेवकूफ बना रहा हूं? दीन खिलवाड़ नहीं है, दीन एक हकीकत है। तो मैं अगर इस्लामिक स्कूल में बच्चे को डाल रहा हूं तो बच्चे का माहौल स्कूल का, बच्चे का माहौल घर का अगर कोऑर्डिनेट करेंगे या नहीं तो बच्चा डबल स्टैंडर्ड पैदा करेगा। एक घर की जिंदगी। चुनांचे हम लोग हमारी जिंदगियों में डबल स्टैंडर्ड है, एक दीनी मराकिज़ की ज़िंदगी, एक हमारे घरेलू ज़िंदगी। इस्लाम में कहता है कि पूरा मुकम्मल सिस्टम एक होना चाहिए। इंशाल्लाह जब आऊँगा टेंजिबल जो फैक्टर्स हैं उसमें तफसील से गुफ्तगू करेंगे, इंशाल्लाह समझेंगे आप। कोशिश ये करें कि हम लोग दीन को जैसे कि दीन है वैसे लेने की कोशिश करें, अपने मसाले ऐड ना करें। बाज़ ऐसे शहर हैं हिंदुस्तान में कि जहाँ पर लोग मजलिस में जब तबर्रुक के लिए जाते हैं तो घर से अपनी चटनी ले जाते हैं। आज भी हैं जी, चटनी अपनी बनाए। हर एक आवाज़ मिर्ची ज़्यादा खाता है, कोई खट्टा ज़्यादा खाता है, हम लोग साउथ इंडियन खट्टे ज़्यादा खाते जी, तो अपनी मज़ेदार वो चटनी ले जाते हैं, फिर वो तबर्रुक लेने के बाद उसमें मिला के खाते हैं। आप भी आइए मजलिसों में, अपनी चटनी मत लाइए। जैसे समझाया जा रहा है वैसे समझ के जा, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। यार हक़ाइक़ हैं दीन के। तो अज़ीज़ान गिरामी, तरबियत अगर सही हो जाए तो हबीब इब्ने मज़ाहिर बन सकता है। देखा सरकार ने कि एक बच्चा है हुसैन के पीछे जा रहा, जहाँ हुसैन पैर उठाते हैं वहाँ की खाक उठाता है। ये क्या चीज़ है? मारिफत की किस मंजिल पर ये बच्चा है जी? ये विलायत के पैर हैं, इसके नीचे सिलिकन है। तय है कह गया जुमला, एक तो मानने की कोशिश की, इसमें इसके नीचे नूर के नीचे नूर है। तो जहाँ हुसैन पैर रख दें वही खाके शिफा है। इमाम हुसैन मज़ाहिर, यानी हज़रत हबीब के वालिद ने देखा कि बच्चे का अटैचमेंट हुसैन से ज़्यादा है, इश्क रखता है इमाम हुसैन से। एक दिन ख्वाहिश के मौला मैंने देखा कि हबीब बहुत ज़्यादा हुसैन से मोहब्बत बेइंतहा इश्क रखते, कितना अच्छा हो जाए कि आप मेरे घर में आ जाएं ताकि इसका भी दिल बहल जाए और इसका दिल बढ़ जाए, जिसको कहते हैं। मौला ने कबूल किया दावत। अब ये हबीब कौन कर रहे हैं? मैं तो कहता हूँ इंतज़ार ऐसा होना चाहिए अब आएंगे मौला अल्लाहुम्मा अज्जिल फरजा जो कहते हैं, ऐसा अगर इंतज़ार हो जाए तो यकीनन मौला आ जाएंगे। हबीब इंतज़ार कर रहे हैं, छत पे जाते हैं, नीचे आते हैं, छत पे जाते हैं, नीचे आते हैं, छत पे जाते हैं, और देख रहे हैं जहाँ से रास्ता आ रहा है। अब देख रहे हैं कि अभी मौला आए, चाहते हैं आया। अब देखा कि नूरानी चेहरे मौला अमीरुल मोमिनीन इमाम हसन इमाम हुसैन आ रहे हैं। अब वो ख़बर माँ बाप को देने के लिए तेज़ी से उतरने लगे, पैर फिसला, गिरे, मर गए। 20 साल का सीना, 3 हवाले हैं मेरे पास, ऐसे ही नहीं बयान करता, कोशिश करता हूँ कि रिसर्च शुदा तहकीक शुदा बात। 20 साल का जवान शौक़ ज़ियारत मौला में जब तेज़ी से उतरा है, गिरा, सर फटा, मर गया। इश्क़ अहले बैत किस मंजिल पर है। मज़ाहिर ने अपनी बीवी से कहा, मैं नहीं चाहता कि मौला वाकिफ़ हो जाएं मैं हमारे बेटे की मौत पर। हम इसको महफूज रखेंगे, हम लोग बिल्कुल बहाल रहेंगे जब तक ये घराना अहले बैत का खा के ना चला जाए, उसके बाद बताया जाएगा। जब मौला तशरीफ लाए, पहला सवाल किया हबीब कहाँ है। मज़ाहिर ने कहा कि मौला वो कहीं गया होगा। अब वो टाल मटोल की बातें सब जानना चाहते हैं। मौला ने कहा ना, जब आया हूँ मैं, उसके बच्चा आया है, मेरा हुसैन आया है उसके इश्क में, वो आया है, वो बुलाया है उसके इश्क में, कहाँ है बता दो। तो अंदर से माँ के रोने की आवाज़ आई। जिगर चाहिए मोहब्बत में, इंसान इस मेयार पे पहुँच जाए। मौला आपसे कोई चीज़ छुपी नहीं, सब वाकिफ है। मौला इमाम मौला अमीरुल मोमिनीन ने कहा, हुसैन तुम्हारी मोहब्बत। जरा इसके लिए दुआ करो, इसकी जिंदगी के लिए दुआ करो। इमाम हुसैन ने हाथों को उठाया, या हय्य या कय्यूम, परवरदिगारा ये तेरा भी आशिक है, हमारा भी आशिक है, इसने हमारी मोहब्बत में जान दी है, तू हयात मौत का मालिक है, परवरदिगार इसको नई हयात से नवाज दे। इधर हज़रत इमाम हुसैन ने दुआ ख़त्म भी न की थी, एक मरतबा हरकत पैदा हुई, बच्चा जवान या हुसैन कहते हुए ये इश्क है हबीब का मौला हुसैन से। अंदाज़ा उस वक्त कर सकते हैं कि जब मौला का ख़त पहुँचा है, मिनल हुसैन इला हबीबी हबीब इब्न मज़ाहिर इला इला रजुलन फ़क़ीह। अल्लाहु अकबर। यानी फ़क़ाहत का अगर कोई सर्टिफिकेट दे दे वो हबीब है। तारीख़ कहती है कि कोफे का बाज़ार सबसे जो ज़्यादा गर्म था, लोहारों का बाज़ार गर्म था, हर तरफ तीर तबर बन रहे थे और बहुत मुशविश थे, हालात बहुत मुशविश थे। हबीब और ज़ौजा के साथ 2 लुक़्मे खा रहे हैं। एक मरतबा हबीब का लुक़्मा गुलूगीर हुआ। अरबों में ये रस्म थी कि जब कभी अगर इस तरह का फंस जाए लुक़्मा, समझना कि अभी कोई कासिद शायद आया चाहता है। दक्कुल बाब हुआ, पूछा हबीब ने, मन हुआ, कौन है वो? आने वाले ने कहा, अना बरीदुल हुसैन। चाहने वाले भी कैसे चाहने वाले हैं। मौला हुसैन ने ख़त दिया तो करबला से पहुँचाने के लिए कोफा पहुँचे हुए हैं और ख़त लेकर के पहुँचे। अना बरीदुल हुसैन, नाम हुसैन लेते हुए हबीब उठ गए, तेज़ी से दरवाज़े की तरफ। दरवाज़े पहुँचे, क्या बात है कि ये ख़त है जो मौला ने दिया। हाथों में लिया, रजुल फ़क़ीह हबीब इब्न मज़ाहिर, तेरा मौला गिरफ्तार हो चुका। नरग़े आदा में हैं, हबीब हो सके तो हमारी मदद के लिए आ जाना। बेअख्तियार हबीब के आंखों से आंसू जारी होने लगे। हबीब ने चाहा कि आंसुओं को पोंछें और न बताए ज़ौजा को। वापस आए, पूछा ज़ौजा ने क्या बात है? कहना कोई बात नहीं। कहा बताओ तो सही क्या बात है, कोई परेशानी तो नहीं है? मालूम हो रहा कि तुम्हारे चेहरे से कोई परेशानी की बात है। आखिर में हबीब मजबूर है कि हाँ मौला ने बुलाया है। ज़ौजा हबीब ने पूछा फिर क्या इरादा है? मैं सोचता हूँ तुम्हारा क्या होगा। हबीब की ज़ौजा ने कहा मैं खाक छानू, मेरी परवाह भी ना करो। फातिमा का लौटा बुलाया है, जाओ हुसैन हुसैन की मदद के लिए चले जाओ। हबीब ने अपने ग़ुलाम को घोड़ा दिया, कहा कि मसरे के पीछे से आओ, इसलिए कि मैं अगर मारूफ रास्तों से जाओगे तो पकड़े जाओगे, पीछे से जाओ मैं आ जाऊँगा। तारीख़ कहती है कि ग़ुलाम घोड़े को लिए हुए उस मसरे के करीब गया, उस खेत के करीब गया जहाँ पे बताया गया था यहाँ ठहरो। हबीब जब पहुँचे हैं तो घोड़े ने घास से अपने मुँह को हटाया था। ग़ुलाम ये कह रहा था अगर तेरा आका नहीं आ रहा है मौला हुसैन की मदद के लिए, मैं तुझ पर सवार होगा। हबीब कहते हैं आखिर ऐसा कौन सा गुर्बत का मौका है कि हुसैन पर ग़ुलाम भी कुर्बान होने के लिए तैयार है। हबीब चले, इधर अलम सबके हाथ में दिया गया, एक अलम बाकी है। गड़बड़, एक मरतबा आवाज़ गूंजी तकबीरात की। ज़ैनब ने पूछा फिज़ा मालूम करो क्या बात है? जो आता है फौज दर फौज हुसैन के कातिल आते हैं, कोई मदद करने वाला आता नहीं है। फिज़ा वापस गई, बीबी मुबारक हो हबीब आ गए, हबीब मौला की मदद के लिए आए हैं। तारीख़ कहती है ज़ैनब ने फिज़ा से कहा जाओ हबीब को मेरा सलाम पहुंचा दो। हबीब ने जब ज़ैनब का सलाम सुना, खुदाया आया फातिमा की औलाद पर ये दिन आया। अजरुकुम अल्लाह, दो जुमले और ख़त्म दुआ, खुदा किसी गम में ना रुलाए। पाँचवा दिन आ गया, आज़ादारी इतने तेज़ी से गुजर गई। देखिए कहीं मजलिस होती है, बीबी आती है, पहलू में बैठती है, रोने वाले तेरी गोदी सलामत रहे। मैं कहूँ शहजादी ज़रा माल मनाल की दुआ दीजिए, जाओ हशम की दुआ दीजिए, औलाद की सलामती की दुआ क्यों? जब नहीं जवाब मिले तुझे नहीं मालूम करबला में मेरी गोदी खाली हो गई। अजरुकुम अल्लाह, हबीब आए, हाथ में अलम लिया, मुझे न जंग पढ़नी है। हबीब जंग करते हैं, इमाम हुसैन सराहने पहुंच जाते हैं। ऐसी मोहब्बत हो, खुदा करे कि आखिरी लम्हा हमारा मौला हमारे सराहने आए। व मिनहुम मन कद नहबा व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। हबीब तुम भी चले, का मौला इजाज़त दीजिए, मौला आपकी खिदमत नहीं कर सका, हबीब हमसे पहले तुम जन्नत चले गए। वसअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुन्क़लबिन क़लबुन। खुदाया परवदिगारा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मन युजीबुल मुद्तर्र इज़ा दआ व यक्शिफुस्सू। 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 या काशिफद्दुर्र वल बलवा। खुदाया परवरदिगारा, या मन लतीफ़ु लम यज़ल उल्तुफ़ बिना फ़ीमा नज़ल। अंतल क़विय्यु नज्जना अन कहरिका यौमल खलल। ली खमसतुन उफ़ी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा। अलमुस्तफ़ा वलमुर्तज़ा वबनाहुमा वलफ़ातिमा। इबादहिम मिन नस्लहिम कद जाअना मिन फ़दलिही। अलआबिदो वलबाक़िरो वस्सादिक़ो वलकादिमो। सुम्मा रिदा सुम्मा तक़ी सुम्मा नक़ी वलअस्करी वलहुज्जत कलक़ाइमो। खुदाया इन हमारी आँसुओं की कसम, हमारे गुनाहों को बख्श दे। आइंदा गुनाहों से तू अपने यदे कुदरत से बचा ले। परचम इस्लाम को बुलंद फरमा। दुश्मनान इस्लाम को, दहशतगर्दों को, दहशतगर्दों के सरगनों को तहस नहस कर दे। मज़लूमीन मोमिनीन की मदद फरमा, मोमिनीन मज़लूमीन को क़ियाम करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। मोमिनीन दुनिया भर में जहाँ जहाँ उनकी जान माल आबरू और इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। जो परेशान हाल उनकी परेशानी को दूर फरमा। बेरोज़गारों को रोज़गार इनायत फरमा। मक़रूज़ों के कर्ज़ों को अदा फरमा। जो बीमार हैं जिन्होंने अल्तबा से दुआ कहा है उन सबको सेहत कामिल आजिला इनायत फरमा। हमारे जिस्मानी अमराज के साथ साथ रूहानी अमराज में गुरूर व हसद व किब्र व निफाक़ व नखवत व गीबत को दूर फरमा। जो गोदियाँ खाली हैं उन्हें पूर कर दे। जो लड़के लड़कियाँ बिन ब्याह के उनकी ब्याह कर दे। सुफूफ़ मुस्लिमीन को मुत्तहिद कर दे। हमें बाँटने वाली सहूनी क़ुव्वतों को बाँट दे। परवरदिगारा हमारे मरहुमीन के बरज़ख़ी हालात को बेहतर से बेहतर कर दे। उनको जवार इमा में जगह इनायत फरमा। मराज रहबर के सायक हमारे सरों पर सलामत रख। इनकलाब इस्लामी को इनकलाब महदी तक में ला दे। जल्द से जल्द मौला का ज़हूर फरमा। मातम हुसैन।